हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एचपी लेजर जेट प्रो MFP M329DW प्रिंटर की। इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में, जैसे कंट्रोल पैनल है, कार्टेज है, 77 है, को कैसे रिमूव करते हैं, स्कैनर में डुप्लेक्स वगैरह आदि के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों इसी तरह की टेक्निकल वीडियो के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बिना कोई देरी किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों ये M329DW प्रिंटर है HP का, और ये इसका ADF स्कैनर है, जिसमें आप एक साथ बहुत सारे पेपर लगा के वन बाय वन स्कैन कर सकते हो। आप देख पा रहे हो, ये यहाँ से इसका जो डूर है, कवर है, वो यहाँ से ओपन हो जाता है। कभी अगर पेपर वगैरह जाम हो जाए तो ये खोल के आप इसको स्मूथी निकाल सकते हो। और ये इसका फ्लैटेड स्कैनर है, जिसपे आप फ्लैट पेपर वन बाय वन पेपर रख के स्कैन कर सकते हो दोस्तों। और ये इस पे इसका ये इसका अगर कार्टेज को अगर बाहर निकालने के लिए यहाँ से ऊपर कर तो ये ऊपर हो जाएगा, देख पा रहे हो दोस्तों। ये ऊपर होने के बाद में दोस्तों इसकी ट्रे वन है, जिससे आप यहाँ से भी पेपर लगा के आप इसमें पेपर लगा सकते हो। जैसे लीगल साइज़ का पेपर है तो उसके लिए इसको सेट कर सकते हो दोस्तों। और नीचे जो नंबर टू वाली ट्रे है उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, ये फोल्ड हो जाती है बराबर, और ये क्लोज हो जाती है। और दोस्तों इसका जो बॉटम साइज़ का एरिया है, इसमें दोस्तों इसकी ये पेपर पिकअप रोलर है, जो पेपर को पिक करते हैं नीचे वाली जो ट्रे नंबर दो है उससे। आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये पेपर पिकअप सेंसर है, और ये डुप्लेक्स ट्रे है, ये इसकी डुप्लेक्स ट्रे है। इसका ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये इसका लॉक है। इसको लॉक को नीचे की तरफ प्रेस करके ये ओपन हो जाती है। कभी बाय द वे इसमें अगर पेपर वगैरह जाम हो जाता है तो आप इसको पुश करके ये खोल के उसको बराबर ध्यान से निकाल सकते हो। और ये इसका कंट्रोल पैनल है दोस्तों, देख पा रहे हो, ब्लैक LCD कंट्रोल पैनल है। और ये इसका बैक साइड का कवर है, जो बाय द वे जैसे कभी पेपर वगैरह जाम हो गया है या कुछ डस्टिंग वगैरह साफ करने के लिए निकाल सकते हो दोस्तों। अगर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसी टेक्निकल वीडियो के लिए। और ये इस पे राइट हैंड साइड में इसमें बटन है, इसको बटन को दबाने के बाद में इसका जो कार्टेज एरिया है उसको आप खोल सकते हो। और इसको कार्टेज इसमें 77A लगती है, इसको आप इंस्टॉल करना है या निकालना है तो ये बटन की मदद से आप निकाल सकते हो। और दोस्तों देख पा रहे हो, ये प्रिंटर अभी ऑन हो रहा है, और ये इसका LCD कंट्रोल पैनल है। इसकी सेटिंग वगैरह यहीं से चेंज होती है, आप देख पा रहे हो। जैसे आपको कभी इसका वाईफाई है वो ऑन करना है तो ये वाईफाई वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, उसका वाईफाई ऑन हो जाएगा। आप मोबाइल वगैरह से इसमें पिन निकाल सकते हो, आप देख पा रहे हो दोस्तों। और उसके अलावा भी इसमें जैसे इसकी सेटिंग है, नेटवर्क सेटअप है, वाईफाई डायरेक्ट का है, प्रिंटिंग सेटिंग है, सिक्योरिटी है, ये सारी सेटिंग आप यहाँ से इसकी मदद से आप चेंज कर सकते हो। और आपको दिख रहा है इस पे ऊपर की साइड में ये ट्रे है, कार्टेज है, कितनी बची हुई है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से याद कर सकते हो। और दोस्तों
इसके अगर आपको अनेबल डिसेबल मेन्यू में जाना है तो आपको इसका बैक बटन और होम बटन को बार बार टैप करना है। कंटिन्यू होम बैक होम बैक होम बैक को ऐसे टैप करेंगे तो इसका जो सेटिंग चेंज मोड है वो अनेबल हो जाएगा। ऐसे करके आपको ये ऐप्स वगैरह है जैसे कुछ इसमें ट्रबल शूटिंग है तो आप इसमें ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। ऊपर इस साइड में जैसे कितनी कार्टेज बची हुई है, कौन सी ट्रे में कौन सा पेपर लगा हुआ है, वाईफाई डायरेक्ट है, ये सेटिंग सेटअप का मोड है। आप देख पा रहे हो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हो, अनेबल डिसेबल कर सकते हो। ये इसका ट्रे वगैरह का सेटिंग करना है, जैसे नंबर वन ट्रे पर कौन सा पेपर लगावाना चाहिए, जैसे लीगल है, लेटर है, A4 है, और जो नंबर टू वाली ट्रे नीचे वाली ट्रे को नंबर टू नाम से जाना जाता है तो उसमें कौन सा पेपर, इसकी सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर इसका जो सेटिंग चेंज मोड है वो अनेबल करना है तो आपको बैक होम बैक होम बैक होम वो की बार बार टैप करनी है, वो अनेबल हो जाएगा। उसके बाद में आप जैसे फोटोकॉपी को लॉक कर सकते हो, बहुत सारी सेटिंग है तो उसको अनेबल डिसेबल कर सकते हो। ये प्रिंट वाला जैसे प्रिंट फ्रॉम USB, अगर आपके USB पेन ड्राइव लगा के इसमें आपको डायरेक्ट कोई भी फाइल है उसका प्रिंट देना है तो USB प्रिंट। ये इसका ट्रे है, ट्रे वन में कौन सी पेपर साइज होनी चाहिए, ट्रे टू में कौन सा पेपर साइज होना चाहिए, वो सारी सेटिंग आप यहाँ से इस LCD कंट्रोल पैनल की मदद से आप चेक कर सकते हो। जैसे कोई ट्रबल शूटिंग करनी है, जैसे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से इसकी ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हो। ये आप इसको साइन इन साइन आउट साइन इन कर सकते हो यूजर नेम पासवर्ड से। तो कोई भी अगर सेटिंग वगैरह चेंज करनी है तो आप तभी कर सकते हो जब इसका पासवर्ड यूजर नेम आपको पता है। ये इसकी कुछ प्रिंटर की जैसे मैक एड्रेस वगैरह, जैसे कार्टेज है इसको आपको अगर इसका सेल्फ एड्रेस पेज निकालना है, कार्टेज कितनी बची हुई है तो इसके कार्टेज पे आइकन पे क्लिक करके उसको प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट निकाल देगा। एक तरह से ये सेल्फ एड्रेस पेज भी इसको मान सकते हैं। जैसे दोस्तों देख पा रहे हो आप, इसके कार्टेज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो इसकी कार्टेज का जो लेवल है उसकी इंफॉर्मेशन के साथ में ये प्रिंट कर देगा। और दोस्तों आपको कभी अगर जैसे इसका सिस्टम नहीं है और ओनली प्रिंटर को आपको टेस्ट करना है कि प्रिंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है तो इस प्रिंट की मदद से आप वो चेक कर सकते हो। और दोस्तों आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ऐसी टेक्निकल और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। ये इसके जैसे मॉडल सर्विस ID नंबर वगैरह ये आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो, जैसे देख पा रहे हो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन मेन्यू है। तो दोस्तों आपने सीखा कि कैसे इसमें IDF कार्टेज रिमूव निकालते हैं। तो दोस्तों
प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।